कौन कहता है कि बचपन वापस नहीं आता। दो घड़ी अपने बचपन के टीवी शोज को लगा के बैठ कर तो देखो, खुद को बच्चा महसूस न करो तो फिर कहना। और आज हम अपने बचपन के ऐसे ही कुछ टीवी शोज को याद करने जा रहे हैं, जिन टीवी शोज ने शायद आपको आपके बचपन में खूब हंसाया होगा और खुशी के आंसू से रुलाया भी होगा। सो चलो, देर किस बात की। वेल, अब मैं जो 5 टीवी शोज के बारे में आपको बताने वाला हूँ ना, वो रैंकिंग के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी शोज अपने आप में बहुत यूनिक एंड बेस्ट हैं। सो जस्ट रिफ्रेश योर ओल्ड चाइल्डहुड मेमोरीज थ्रू रिमेम्बरिंग दीज चाइल्डहुड सीरीज। नंबर 1, बुर्खा अवेंजर्स फ्रॉम पाकिस्तान। एक्शन, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और सुपर हीरो फिक्शन का तगड़ा कॉम्बिनेशन है बुर्खा अवेंजर्स, जिसके क्रिएटर पाकिस्तान के एक बहुत जाने माने सिंगर एंड म्यूजिशियन हारून रसीद हैं। बुर्खा अवेंजर पाकिस्तान के एक फिक्शनल टाउन हलवापुर की कहानी है। इसमें एक सुपर हीरोइन है जो खलनायक से लड़ते हुए अपनी पहचान छुपाने के लिए एक बुर्खा पहनती है, और इसी के कारण इस शो का नाम है बुर्खा अवेंजर। असल में बुर्खा अवेंजर एक गर्ल्स स्कूल टीचर है जिसका नाम जिया है। बुर्खा अवेंजर करप्ट पॉलिटिशियंस और गलत तरीके से काम करने वाले व्यापारियों से लड़ती है जो गर्ल्स स्कूल बंद कराने के प्रयास में जुड़े रहते हैं। तख्त कबड्डी एक मार्शल आर्ट है जिसमें किताबें और पेन फेंक कर किसी से लड़ाई की जाती है, एंड इसी टेक्निक का यूज करके बुर्खा अवेंजर अपने सभी दुश्मनों को मजा चखाती है, एंड उन दुश्मनों में मुख्य रूप से बाबा बंदूक और वडेरो पाजेरो शामिल है। इनके अलावा आशु, इम्मू, मूली इस शो के मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास इस शो की पूरी स्टोरी घूमती है। मुझे पर्सनली इस शो के साउंड ट्रैक्स बहुत पसंद थे एंड आज भी है, आई होप आपको भी पसंद हो। नंबर 2, रोबोटान फ्रॉम जापान। रोबोटान को केंजी मुरीता नाम के एक मांगा आर्टिस्ट ने मांगा के रूप में बनाया था, जिसे बाद में एनीमे सीरीज में बदल दिया गया। एंड यदि आपको मांगा और एनीमे जैसे शब्द पहली बार सुनने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इनके बारे में और ज्यादा जान सकते हो। सो रोबोटान एक रोबोट है जिसे कैंचन नाम के एक पढ़ाकू लड़के ने बनाया है। एक्चुअली उसने बनाया नहीं है, बल्कि वो अपने कंप्यूटर में रोबोट्स की डिजाइन बना रहा था, जिसके बाद किसी एरर के कारण रोबोटान नाम का रोबोट कैंचन के कंप्यूटर से निकल कर आता है। इस सीरीज के अंदर रोबोटान का मेन दुश्मन बोटची है, जो एक छोटा सा बच्चा है और रोबोटान को नापसंद करता है, एंड वो रोबोटान को अपना नौकर बनाने के प्लान बनाता रहता है। वेल, यदि आपने एक बार भी इस शो को देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि रोबोटान को केले बहुत पसंद है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से निकलने के बाद उसने सबसे पहले केले ही तो खाए थे। एंड यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, रोबोटान की जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उनमें से ज्यादातर को अपनी हिंदी आवाज निंजा तौरी के वॉइस आर्टिस्ट ने ही दी है। नंबर 3, जेक एंड नेविल एंड पायरेट्स फ्रॉम अमेरिका। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्री स्कूल एनिमेशन सीरीज में से एक जेक एंड नेविल एंड पायरेट्स को देखना हम सब ने बहुत एंजॉय किया है। इंडिया में इस शो को हिंदी में डब करके डिज्नी जूनियर पर ब्रॉडकास्ट किया गया। बेसिकली इसमें कुछ यंग पायरेट्स की स्टोरी दिखाई जाती है, जिनमें जेक, इजी एंड कभी शामिल है, और उनके साथ उनका एक पैरेट स्कली भी उनके डेली एडवेंचर्स में उनकी हेल्प करता है। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आमतौर पर जेक की टीम कैप्टन हुक को बुरे काम करने से रोकती है, और उनके इसी के रोज के मिशन के कारण बीच बीच में उन्हें सोने की कुछ मोहरे मिलती है, जिन्हें मुट्ठी में बंद कर लिया जाता है और एपिसोड के एंड में एक ट्रेजर बॉक्स में गिनती करके रख दिया जाता है। आई होप कि आपने इस शो को अपने बचपन में मिस ना किया हो, बिकॉज बड़े होने के बाद तो ये शो सबको बचकाना ही लगेगा। नंबर 4, गुजुरा फ्रॉम जापान। गुजुरा एक कॉमेडी जॉनरा का शोनेन मांगा है, जिसे हिरोशी सासागावा ने क्रिएट किया था, एंड एज यू नो मांगा से एनीमे बनने में इसे देर नहीं लगी। गुजुरा एनीमे सीरीज 1967 से 1968 के बीच ओरिजिनली एक जापानीज चैनल फूजी टीवी पर एयर किया गया था, मतलब ये काफी पुराना एनिमेशन सीरीज है। बेसिकली इस शो में गुजुरा नाम का एक मॉन्स्टर होता है जो कि खाने में मेटल या मेटल से बनी चीजें खाता है, और गुजुरा की एक सबसे खास एबिलिटी है कि वो मेटल्स खाने के बाद उन्हें किसी भी टाइप के गैजेट्स में कन्वर्ट करके अपने पेट से बाहर निकाल सकता है। एंड इस शो में गुजुरा के बाद के दो मेन कैरेक्टर्स में बोंटा और सुसुको शामिल है, जो कि भाई बहन है। नंबर 5, ओसो मात्सुकुन फ्रॉम जापान। ये भी बहुत पुराने एनिमेशंस में से एक एनिमेशन है। इसे 1966 में पहली बार एनिमे सीरीज के रूप में जापान के MBS टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। इस सीरीज में 6 ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, पर उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे कौन से चैनल पर देखा था, बट हाँ उन दिनों मैंने ये शो बहुत देखा था।
एंड आपने इन पांचों में से कौन कौन से शोज देखे हैं और कौन कौन से शोज की स्टोरी आपको याद थी कमेंट करके जरूर बताना। प्लस अब पास्ट में जाने का वक्त आ गया है, जाओ और इन शोज के एटलीस्ट एक एक एपिसोड्स को देख कर आओ, आपकी धुंधली यादें ताजा हो जाएंगी। एंड यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो के एंड पार्ट तक रुके हुए हो तो इसका साफ मतलब हुआ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। सो आई बेट कि ये दोनों वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगी।